जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्कार। होम स्कूलिंग की श्रृंखला शुरू करने से पहले मेरे पास सभी दर्शकों को, विशेष रूप से बच्चों के माता पिता को बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है, और वह यह है कि मैंने होम स्कूलिंग को एक चुनौती के रूप में देखा, क्योंकि यह वास्तव में था। मुझे लगता है कि अगर हम इस तरीके से होम स्कूलिंग से निपटते हैं तो यह फलदायक होने वाला है। दमन करते हुए हम एक देश का उदाहरण लेते हैं, जहां राजा को यह खबर मिलती है कि उसकी जगह पर बहुत जल्द दुश्मनों का हमला होने वाला है। इसलिए वह क्या करता है कि वह दुश्मन के सभी विवरण एकत्र करता है जो उस पर हमला करने वाला है। फिर वह ध्यान से दुश्मन की स्थिति का विश्लेषण करता है। फिर वह हर तरफ से दुश्मन पर जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, तभी वह दूसरे राजा को हरा सकता है। मेरे मामले में यह सफलता थी जिसकी मुझे होमस्कूलिंग में आवश्यकता थी। मैंने इस नकारात्मक बिंदु को सकारात्मक बिंदु के रूप में लिया। उदाहरण के लिए, यदि हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हर तरफ से किसी बीमारी पर हमला करते हैं, तभी बीमारी ठीक होगी। इसी तरह अगर हम होमस्कूलिंग प्रोजेक्ट या किसी अन्य प्रोजेक्ट को सकारात्मक रूप से लेते हैं, आप किसी भी अन्य प्रोजेक्ट के लिए इस सादृश्य का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इसे इस तरह करते हैं तो सफलता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा ज्योतिष पहलुओं के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के प्रारब्ध, कर्म, जातक सब कुछ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन चीजों के सामने एक छोटा प्रयास होगा, लेकिन हमारा प्रयास 100% होना चाहिए। इससे परे निश्चित रूप से यह नियति है। इस मामले में मैंने क्या किया कि मैंने उन चीजों को लाने की कोशिश की जो मेरे लिए असफल नहीं होनी चाहिए। मैंने इस तरह से होमस्कूलिंग पॉइंट पर हमला किया, जैसे मैंने अपने घर में कोई जंक फूड नहीं लाई और ना ही मेरे पास अभी है। मैंने जंक फूड वैक्सीन को हटा दिया। मेरे स्थान पर गपशप के लिए कोई जगह नहीं थी। कई अन्य चीजों को भी हटा दिया, जैसे खराब दिनचर्या, देर से सोना, देर से जागना, इधर उधर की थोड़ी अव्यवस्था। इन सब से निपटने के बाद होमस्कूलिंग मेरे लिए काम करना शुरू कर दिया। तो यह आप सभी के लिए काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लॉकडाउन में होमस्कूलिंग का आनंद लें। महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा में बहुत बड़ा अंतर है। वैसे ही तपस्या और कृपणता, शिष्टाचार और चापलूसी, दान और घमंड, साहस और बदमाशी, चतुराई और चालाक। एक बड़ा अंतर बहस और तर्क के बीच भी है। वैसे ही बचाव और औचित्य, कूटनीति और छल, आत्मविश्वास और श्रेष्ठता जटिल, विनम्रता और आदेश अधीनता, अभिमान और अहंकार, साधारण और सामान्य। नैतिक और कानूनी में भी बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों और इस वीडियो को देखने वाले सभी माता पिता, मुझे लगता है जिम्मेदार माता पिता के रूप में हमें अपने बच्चों में पूर्व गुणों की तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए,
जो मैंने अभी कहा है, बजाय बात के गुणों की। मुझे आशा है कि आप सभी मुझसे सहमत होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।